महाराज आज के युद्ध को साधारण युद्ध न समझिए, चलो चलो चलो, बल्कि एक एक चलो पढ़ने की घड़ी है। वह सामने देखिए रावण की सेना, वह कैसे खड़ी है, वो उसकी तमाम कुंभकर्ण ने अपने आप संभाली है। जिससे पता चलता है कि आज प्रलय होने वाली है, क्योंकि यह पुरुष उस समय शस्त्र उठाता है जब कोई विशेष युद्ध होता है। इसलिए आज विशेष याद रखना, बल्कि मेरे राय में तो आज सेना का संचालन आप अपने हाथ में रखना। आप जरा भी चिंता न कीजिए, सजीवल है मटी, और मुझे उससे मुकाबले की आज्ञा दीजिए। सुखबीर जी, आप इस भट्ट को जाने दो और कुंभकर्ण से मुझे ही हाथ मिलाने दो। आखिर ये कुंभकर्ण कोई खुदा तो नहीं है, या अगर कोई ऐसी आवश्यकता हुई तो आप भी हमसे कोई खुदा तो नहीं है। अरे तू जरा मेरे आ गया, अभी मैं तेरी प्यास बुझाऊं। जरा गिरे बांध में झांक कर देख, तू भी अपने आप को सूरहीन कहता है। अरे निलज, अरे तू भी बोलने को मत है, रावण का भाई होने का दम भरता है। जान पड़ता है तू आज अवश्य ही मौत का स्वाद चखेगा। Thank you.
पुरुषोत्तम भगवान राम और रावण का बहादुर भाई कुंभकर्ण के बीच लड़ाई। इतने जीवों का खून बहाकर अब जान क्यों छुपाता फिरता है, जरा सामने आ। मेरे मन में बहुत मुद्दत से अभिलाषा थी, शुक्र है आज तेरा बल जांचने का अवसर मिला। कल के आंसुओं की नमी तो हम सब तो तेरी आंखों में दिख रही है। तू अपने प्राण बचा, पिछली बातों का क्या जिक्र करना। अब होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। जय शंकर की। श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रावण के भाई कुंभकर्ण के बीच लड़ाई। जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम राम राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और रावण के भाई कुंभकर्ण के बीच महायुद्ध। जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम राम राम, श्री राम 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 जय जय राम। मुझे बड़ा आश्चर्य और हैरानी है कि तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करने की क्या ठानी है। जिस दिन से जंग चल रही है, हर बदगवाह से हमारा ही काफिया तंग हो रहा है। समस्त नामी सरदार एक एक करके समाप्त हो गए, अनगिनत छोड़ गए, सदा के लिए मौत की नींद सो गए। सितम है, गजब है, समझ में नहीं आता
तुम्हारे इस कायर पर का क्या शब्द है? मैं ये भी मानने को तैयार नहीं कि शत्रु हमसे ज्यादा जबरदस्त है। फिर क्या कारण है कि प्रत्येक दिन हमारी ही हार हो रही है? हाँ महाराज, यह आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम लोगों की यार संसारियों की है कब्रदानी है। मेरी भी उसमें बस हाली। ओ भाई, हम लोग तो जान हथेली पर रखे मिलते हैं। मेरी भी है। इन तो आपको फिर भी पता नहीं क्या बनना भी है। आपका दोस्त नहीं, दिक्कत नहीं। यह सिपाहीगिरी का अपने आप में फोनो ऐसा ही नाम है। पिताश्री यह आपकी व्यर्थ ही बेकारी है। यह भी बिल्कुल गलत है कि शत्रु का पल्ला हमसे भारी है। काका कुंकरण मरने से तो मर गए, परंतु सफाया उनका भी कर गए। असंख्य सेना के अतिरिक्त सुग्रीव और हनुमान को जब जहनुम नसीब कर गया और लक्ष्मण पहले दिन ही मेरे हाथ से मर गया। बस अब अकेला राम ही राम है, कल उसका भी काम समान है। नहीं नहीं, मेरा हर चीज ये ख्याल नहीं कि मेरे दरबार में कोई भी नमक हलाल नहीं। भला मैंने ये सब कहा के तुम्हारी बहादुरी और वीरता खत्म हो गई। हमारे ही आदमी क्यों अधिक मर रहे हैं? महाराज की जय हो। महाराज ने जो आज्ञा दी थी वह वस्तु तैयार है। हाँ हाँ, जल्दी से दिखाओ। यहाँ लीजिए, यदि कोई कमी रह गई हो तो आज्ञा दीजिए। सच मच सारी गरी है तो कमाल है। नकल और नकल में
उसको फैसला करके ही आऊंगा। तूने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसका फल भोगने के लिए तुमने इस संसार में जन्म लिया? न जाने कब तक इस संसार को सहने के लिए रहना पड़ेगा। आए दिन की यात्राओं में और हर घड़ी की आहों से शरीर का यह हाल हो गया। मेरा तो एक कदम चलना भी मुहाल हो गया। सीता, मुझे बड़ा खेद है कि तुम अभी वही पागलों वाली बातें कर रही हो और सरदाहे भर रही हो। ओ दुष्ट, तो मुझे क्या कहता है जो हर समय साया की भांति मेरे पीछे लगा रहता है? रावण, मैं सच कहती हूँ, चाहे मुझे कोई जान से भी मार छोड़े, परंतु मैंने आज तक सिवाय अपने पति के दूसरे मनुष्य के आगे हाथ नहीं जोड़े। प्यारी सीता, जरा अपने आप को संभाल और अपने ऊट पटांग विचारों को अपने दिल से निकाल। मैं तुमको रुलाने नहीं आया बल्कि एक शुभ समाचार लाया। मुझे तेरे शुभ समाचारों से कोई प्रयोजन नहीं। कृपया करके यहाँ से किनारा करो और चले। तू कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाला कर। अरे निर्लज, तू जल्दी ही यहाँ से अपना मुंह काला कर। मैंने तो तेरे तेरे सहारे का फैसला कर डाला है, जिनके भरोसे पर तू कूद रही है वो तो कभी के जहन्नम में चले गए। अरे जबान संभालता है या चुप नहीं रहता है? क्या तू मेरी बात झूठ मानती है? अरे नादान, जरा हाथ खोल के दे और इनको पहचान। क्यों आप इतनी नान हो गया? हाय प्राणनाथ, चोर चले दासी को, हाय आपकी मृत्यु भी इस पापी के हाथों होनी थी। हे परमात्मा, अफसोस, क्या सोचा था
और क्या हो गया? बेटा जरा सीता तो इस संसार से कूच कर गई। मेरा ख्याल है मरी नहीं, केवल सिरों को देखकर डर गई। आखिर इसको मरना ही था। मैं इसके साथ कब से सिर पटक रहा था। अच्छा हुआ मर गई। किसका भय, किसका डर? मौत जैसी भयानक वस्तु जिसके नाम से संसार भय खा रहा है, मेरे समीप आने से उसे भी डर लग रहा है। प्राणपति मेरे ऐसे भाग्य तो कहां थे जो आपके चरणों में रहना मिलता। परंतु किस्मत को यह भी अच्छा नहीं लगा कि दम ही आपके चरणों में निकलता। भूमि दे बेटी सीता। यार बेटा संतोष बेटा, तेरा पति सही सलामत है और तेरा देवर भी जीवित है। तू इन हीरों का भेद नहीं जानती, इसलिए मेरी बात को सच नहीं मानती। वह दोनों सिर जो रावण ने तुझको दिखाए हैं, वह कारीगर ने बनाए हैं। भला मैंने पहले तुझको कोई बात झूठ नहीं कही। मैं आपकी कृपाओं का कहां तक धन्यवाद करूं और आपके किस किस उपकार को मैं याद करूं। बेटी सीता, मेरी क्या महत्व है? वास्तव में तेरा पति वर्त धर्म ही ऐसा लासानी है जो हर समय तेरा सहायक है, वरना तीर जटा बेचारी किसके लायक है? Yeah.
नादान लड़के पहले आप धर्मी को अपने दिल से निकाल। और अपने गिरे मार में मुंह डाल। फिर तुझको मालूम हो जाएगा जितना मैं तेरा लिहाज करता गया और तू उतना ही सर पर चढ़ता गया। तू तो रोज दुआएं मांगता होगा कि कब कुलबा मरे और तू लंका पर राज करे। किंतु याद रख, आज मैं तुझको अपने हाथों से लंका का मुकुट पहनाऊंगा। यदि तुझको जीवित छोड़ दूं तो दुनिया में किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। भला यह कब संभव था? कितनी लाल तार सुनकर भी तुझको लज्जा ना आए। वास्तव में यह मुनि किसी योग्य नहीं, किसी को दिखलाया जाए। चचासी और तैयार हो जाओ। किसी पानी के
बहादुर बेटे कभी कभी महायुद्ध आज तो मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा है और कलेजा अपने आप धड़क रहा है। जिस और मेरी दृष्टि जाती है प्राण प्यारे की जरूरत सामने खड़ी नजर आती है। पहले आज तुम्हारा मन क्यों उदास है सलोचना? क्या बताऊं? आज जब से वह युद्ध में गए हैं तब से मेरी तबीयत खुद घबरा रही है। तुम हालात में मन को चिंतित करती हो, हमारे युवराज से मुकाबला कर रहे की यह तुम्हारी गलती है। किसी की सदा एक समान नहीं चलती, आज चलती है तो कल जरूर बहती है। देखना वह क्या सामने आने वस्तु मेरी है। हाय हाय यह तो किसी आवाज की पूजा कट कर गिरी है। मालूम होता है कि युद्ध से कट कर आई है। जरा पहचानो तो वह किसका हाथ है? हाथ लेकर पहचान करना असंभव बात है। किसकी उंगली में एक अंगूठिया? आज देख कबीर रनों को पहचान करिए पड़ती है। हाय 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 यह तो मेरी तकदीर बूटी है। ओ प्राण नाथ यह कैसे कटा आपका हाथ? मेरा मन तो पहले ही बैठा जा रहा था। आह मेरे सरकार मेरी इज्जत और हम्मत के लाख
मेरे साथ जो वायदे किए थे वह सब भूल गए। नहीं नहीं यह भूल आपने नहीं की, बल्कि दुष्ट काल ने आपको मोहलत ही नहीं दी। आप जवान मिला सकते और मुझको अपने पास बुला सकते। हाय हाय हे परमात्मा, तूने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया, किंतु मैं अवश्य अब आपके साथ चलूंगी। और अग्नि ने आपके साथ चलूंगी। बेटे और पोते जिनको न केवल मैं अति बलवान जानता था, बल्कि जिनकी वीरता और दृढ़ता सारा विश्व लोहा मानता था, वो समय को सिधार गए और अपने कर्तव्य को सिर से उतार गए। गोपकर्ण से बलवान भाई और मेघनाथ से वीर बेटे मुझको वियोग का दुख दे, मृत्यु पर जा रहे हैं। लंका के महलों और बाजारों में जहाँ तक दृष्टि जाती है रोने और पीटने की आवाज आती है। स्वामी जी यदि आप नाराज न हैं तो मैं कुछ निवेदन करूं। नहीं नहीं नाराज होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी सम्मति से अवश्य लाभ उठाऊंगा। जब भी आप मेरी सम्मति को काम में लाए उसी साथी को रामचंद्र जी के पास पहुंचाए, जो कुछ बचा उसी को गनीमत जाने आगे मौने अल्लाह। ये कहने से तो अच्छा था तुम कुछ भी न कहते और बिल्कुल खामोश ही रहते। तुमने कुछ फेरे देने के स्थान पे उल्टा मेरे घाव पर नमक डाल रही हो। यह आपका गलत ख्याल है। जहाँ तक मैं देखती हूँ इस युद्ध में आपका सफल होना सख्त मुहाल है। सच है, तुम्हारा क्या कसूर, सारे संसार का
ऐसा ही दस्तूर बोलिए परंतु बिगड़ जाए तो पर पीछे फिर लू कर दे तू कौन और मैं कौन मैंने कभी भी किसी प्रकार की कौमत आपके जी में नहीं लगाई, केवल आपकी भूल को याद दिलाया है। बस बस अब अधिक ध्यान न था और मेरे सामने से चले गया। आपको अधिकार है जब भी आप पृथ्वी लेंगे तो मुझे कब अधिकार है हाय हाय मेरे भाग्य का दीपक ठंडा हो गया क्यों रे मैं सिर्फ जानने के लिए और आपका बूकर बंद है मेरे हाथ से अपने बंदे मेरे दोनों जान से खो गया बड़ा दिन वह अपने आप को तो सब दुखों से आजाद कर गए परंतु आपका बुढ़ापा और मेरी जवानी बिल्कुल बर्बाद कर गए। बेटी बेटी गिट्टी बोझ दी मैं तुझे धारिया कैसे दू और कैसे समझाऊ बच्चे जो आगे वीडियो बना रहे हैं ना इनके मोबाइल छोड़ दिए जाएंगे ये मैं पहले बता रहा हूँ छोड़ दिए जाएंगे आपकी कृपा और मेहरबानी की मशहूर हूँ कराई ना परंतु आपकी आज्ञा मानने से मशहूर हूँ सुलोचना बड़ी देर से खड़ी रो रही है और मेरे हाथ का सिर बनवाने के लिए अति हो रही है उसका सिर बनवा कर क्या करेगी क्या करेगी उसके साथ जलकर मरेगी पहले तो उसका ये विचार बहुत ही बढ़िया है दूसरा इस समय सेब का मिलना कोई साधारण बात नहीं जब तक वो इसके बदले में 150 करोड़ न ले ले तो मेघनाथ का सिर शहर में थोड़े ही लगे आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए केवल मुझे आज्ञा दीजिए मैं सीएम जाऊंगी और अपने पति का सुख ले आऊंगी यूं क्यों नहीं कहती कि स्वयं जाकर
और इस विषय में हट करना बिल्कुल ही फिजूल है। तो वहां जाते ही कैद हो जाएगी, क्योंकि इसके द्वारा उनको सीता के छुटकारे की उम्मीद हो जाएगी। मान लो यदि ऐसा ही हुआ तो मेरी जान मेरे हाथ है और काल का समान मेरे साथ है। जब तो हुज्जत बाजी से मेरी प्रत्येक बात आती है तो फिर मेरा मगज क्यों चाहती है? जो तेरे मन में आए कर और मेरी आंखों से चार हो गए मैं तो बड़ा छूट रहे जय श्री राम। सारे अड़ी पर गए। सुप्रीम जी देखना वह स्त्री कौन आ रही है, हमें जरा सावधान रहना चाहिए, ऐसा ना होगी कि उस रावण की कोई कारस्तानी ना हो। आश्चर्य है, संभव है कि इस देश में कुछ और बेईमानी हो। महाराज ऐसा जान पड़ता है जैसे कोई दीवानी हो। विभीषण जी यदि आप इसका पता लगाएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सेहत के लिए अच्छा फायदेमंद है, 10 फायदे हैं पॉपकॉर्न खाने के। सुलोचना मैंने भी सुना है, परमेश्वर ने यह क्या दिन दिखाया जिस देवी ने सारी उम्र भर बदन सही से पांव नहीं उतारा। मगनी सो सकारी बैठे आगे कदे लंदे दे बैठे आज मैं झेपड़े खा रही है बैठ के पूरी बैठ के खा रही है। मैं किसी बात से गलती सोच ऐसी निर्दयता से फोन दे दे बैठ में बैठते वो बोले आ रही है किसके पड़े ना देवी जी हमने बहुत जोर लगाया और कई बार रावण को समझाया परंतु शोक हमारी बातों को वो बिल्कुल ध्यान में लगाया। मुझे इन झगड़ों से 50 रुपए उल्टे गिरने पड़े। क्या सरोकार उधर वह माली इधर आप मुख्तार, मेरा यहाँ आने का जो परिणाम है और मेरा अपना ही काम है। जो कुछ आपका काम हो वह निसंकोच हमें बताएं। आप मुझ पर केवल इतना एहसान कर दो कि मेरे पति का सिर मुझे प्रधान कर दो। केवल इतनी सी बात के लिए आपने यहाँ आना
यहाँ पर आने का कष्ट क्यों उठाया? वहीं से किसी के हाथ समाचार क्यों नहीं पहुँचाया? मुझे इस बात का पूरा विश्वास था, अगर वह भरी से किसी को भेज देती तो मेरे पति का सिर मेरे पास होता। परंतु मैं स्वर्ग आना चाहती थी अपने पति के वध करने वाले का मुखड़ा देखना चाहती थी। राधा लक्ष्मण जी, आप इनके पति का शीश इनके हवाले कर दीजिए, इसके पति का शीश, और इन्हें अपनी शक्ति दिखा दीजिए। तेरे पति का सिर उपस्थित है, मैं तेरे पति का घातक अवश्य हूँ, किंतु क्षमा के योग्य और मैं अपराध हूँ। लक्ष्मण, सचमुच सुरजती है, मेरे पति को जीतना तेरा ही काम था। कौशल्यानंदन, आपको जैसा सुना था वैसा ही पाया। शत्रु का शत्रु के साथ है, स्त्री मित्र की हो या शत्रु की, दोनों का दर्जा एक समान है। धन्य हो और इस मनुष्य के ऐसे शुद्ध भाव हो, उनके दर्शन से आत्मा क्यों न प्रसन्न हो। जो मनुष्य इस प्रकार के विचार रखता है उसको संसार में भला कौन जीत सकता है? लंका नरेश रामायण और पवन पुत्र हनुमान देवी।
यदि हनुमान जी से डर लगता है जरा मेरी और भी होले वाह वाह एक और 30 बार का बोले बाप ने मारी नाइट की बेटा तीर अंदाज काम चढ़ जाएगा अपनी चोरू के लिए तो कड़ा बिंदर पे चढ़ जाएगा आज तक छपता गया अब उंगली को खून लगा कर शहीदों में मिलना चाहता है प्रतीक होता है कि बौखला गए जो इस तरह की बातों पर आ गए मुझे आश्चर्य है कि सारी सेना तुम दो ही बलि के पकड़े रह गए अरे तू ज्यादा पक पकने लगा और चला मेरे सामने आ अब एक कर दो तुझे हाथ होशियार हो जा बहुत बढ़ चुका अब नहीं बढ़ने दूंगा अरे तेरे जैसा बता खाली हाथ होता हुआ भी सामने नहीं आने दूंगा अपने कपन का सामान भी साथ लाया है या ऐसे ही उम्र में आया है यह कोई नट को तुम नहीं पाप जमाने का समय अब चला गया क्या डर है तुझे अपनी अपना बल लगा ले भली प्रकार पाप जमा ले देखना कहीं फेर से उठा ले क्यों ज्यादा बड़ी बड़ी हाँकता है अब तेरी बातों का जवाब मेरी यह कदम लगी इतनी क्या उछल कूद करता है होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा जय श्री राम जय शंकर के मर्यादा
लंका का राज्य दिलाता हूं और अपने हाथों से मुकुट पहनाता हूं। वह तुम्हारा राज्य नहीं, रणभूमि है, रणभूमि खत्म हो जाएगी। क्यों ज्यादा बक बक कर रहे हो? आसमान और धरती को तोड़ रहे हो भाई साहब। अगर इतनी ही लड़ने की इच्छा है तो तैयार हो जाओ। लेकिन तुझे मौत की नींद सुलाता हूं। मेरा सभी माताओं बहनों से अनुरोध है कि आज के रामायण का पूरा पाठ जरूर देख करके जाएं, क्योंकि जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को राज तिलक नहीं हो जाता तब तक जो रामायण आप लोगों ने देखी है उसका पूरा फल आपको प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब तक वनों से वापस नहीं आ जाते तब तक मेरी सभी माता बहनों से अनुरोध है कि माता सीता की अग्नि परीक्षा जरूर देख करके जाएं। क्या बढ़ चढ़ कर बातें बना रहा है और बेचारे विभीषण के सर पर क्या चढ़ता आ रहा है? सुबह से लड़ते लड़ते शाम हुए किंतु तो भोज में आग लगाकर किनारे हो गया। वो बेचारे लोग कटते रहे मरते रहे तो न जाने कहां सो गया। यदि मैं पहले आ जाता तो जगह में कर तो इतनी देर जिंदा न रह पाता। ये वो क्या नहीं कहता कि अब तक मैं जिंदा न रह पाता। अब मेरे पास तेरे प्राण लेकर रहेंगे। यदि तू आज जेवी चला गया मुझको रावण कौन कहेगा? ओ पति आत्मा, तूने इस धरती पर बहुत उत्पात मचा लिया। अब तेरा अंतिम समय बिल्कुल नजदीक आ गया। होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। जय शंकर के। जय श्री राम। जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 सिया राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम 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 जय जय राम राम। तो नहीं श्रामा है।
जय राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 श्री राम राम जय राम 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 श्री राम राम जय राम 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 मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जय जय राम लंका में श्रावण के महायोग जय राम 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 श्री राम राम जय राम 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 श्री राम 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 जय राम राम श्री राम 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 जय राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 तब तक रावण को नक्षलोक नहीं पहुंचा पाओगे। और एक जिज्ञासु बनकर
तुम उनके पास जाओ और कोई उपदेश ग्रहण करो। जीते जी की आपने हमको तकलीफ दी, हम उन विचारों को मन से निकाल दीजिए और कोई उपदेश देकर मुझे कृपा कीजिए। ये ना तो बोलते हैं और ना ही आगे बोलते हैं। भ्राता, उपदेश लेने का तरीका यह तुमने कहां से सीखा? तुम उनके पांव की तरफ खड़े हो जाओ और फिर उन्हें बुलाओ। महात्मन, पुराने बैर को चित से निकालिए और कोई उपदेश दीजिए। हे लक्ष्मण, खात्मे पर अब मेरी जिंदगानी है, मैं तुझे क्या नसीहत करूं? मुझे खुद हैरानी है। अगर चेलब हिलाने की ताकत अब नहीं मुझमें, मगर फिर भी कथा मैंने तुम्हें अपनी सुनानी है। मेरी बातें तेरे हक में अवश्य ही लाभदायक है, क्योंकि अभी तुम पर नई नई आई जवानी है। विषय भोगों की तरफ भूल कर भी नजर मत करना। हुई मेरी जो ये हालत, उसी की मेहरबानी है। खुशामद चापलूसी से जो तेरी तारीफ करे, उनको मित्र न समझना, वह शत्रु जानी है। मेरा खाना खराब इन चापलूसों ने कर डाला, जो उजड़ी सोने की लंका इन्हीं की बेईमानी है। जो अपना शत्रु हो चाहे, वो कितना ही अपाहिज हो, उसे दुर्बल समझ लेना सरासर ही नादानी है। जो अपने और बेगाने की नहीं पहचान कर सकता, तो निश्चय ही समझ लो कि उसकी तबाही की निशानी है। जहां तक हो सके तुमसे बदी से बचे रहना, वरना जो भी करोगे एक दिन आगे आनी है। जो देता काल अवसर तो मैं शायद और भी कहता, मगर दम रुक गया, अब आ गया आंखों में पानी है। मेरा कहना ये लक्ष्मण, अपने दिल पर नक्श कर लेना, ना नफरत इसलिए करना कि रावण की जवानी है। अगर यशवंत सिंह देखे मेरे जीवन का नक्शा, ही नसीहत ही नसीहत है, कहानी की कहानी है।
आप जैसे विद्वान शूरवीर और साहसी राजा के मरने का मुझे बड़ा अफसोस है, किंतु ऐसा होना ही था। इसमें न मेरा अपराध है न ही आपका दोष है। यद्यपि इस कश्मकश में जहां तक मेरा अनुमान है मैंने कोई ऐसा शब्द अपनी जीवा से नहीं निकाला जो आपकी शान के खिलाफ है। यदि कोई शब्द भूल से मेरे मुख से निकल भी गया हो तो मैं निवेदन करता हूं कि मेरा अपराध माफ हो, क्योंकि जो मनुष्य मृत्यु के समय किसी प्रकार का भेदभाव दिल में रखता है वह निसंदेह बुद्धि का हीना है जो मरे के साथ शत्रुता करता है, वह पल्ले सिरे का कमीना है। अपने जीते जाने न दिया, लंका में राम तुम्हारे को अब तुमसे पहले ही जा रहा, अब देखो धाम तुम्हारे को, हे राम। अभी आप लोगों ने देखा कि लंका नरेश रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथों मारे जाते हैं और लंका में विभीषण को राज दिलवाने हनुमान अब तुम लंका में जाओ और सिया जी को आदर सहित ले आओ। जो आज्ञा भगवान। भगवान मुझ अभागी के कारण जो जो कष्ट आपने उठाए इसके सामर्थ्य है जो उनको गिनाए। आपके चरण कमलों के दर्शन करने मैं तो सोधाई सी हो रही हूँ और इस समय तो यह भी ज्ञान नहीं मैं जागती हूँ या सो रही हूँ। प्यारी सीते वही रुको, क्योंकि लोक लिहाज से तुम पूरा एक वर्ष रावण की कैद में रही हो, इसलिए मेरे पास आने से पहले तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी।
भ्राता जी आप कैसी बातें कर रहे हैं माता सीता जी को अग्नि परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है। वीर लक्ष्मण सीता जी को अगर दोबारा हमारे साथ अयोध्या में आना है तो अग्नि परीक्षा से गुजर कर ही आना होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि नारी की पवित्रता पर युगों युगों से तरह तरह के अपवाद पैदा हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि कल दुनिया में सीता जी के बारे में भी लोग दुनिया में ऐसी ही बातें हो। भगवान मैं जितने दिन भी रावण की कैद में रही पल भर के लिए भी मैंने आपको अपने दिल से नहीं निकाला, अगर फिर भी इस दासी की निस्बत आपको ऐसा शक है तो सीता यह परीक्षा देने को तैयार है। तुम धन्य हो माता सीता ने अग्नि परीक्षा दे करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को व जनता को यह बताया कि मैं रावण की कैद में जब तक रही मैं बिल्कुल पवित्र रही। विभीषण जी अब यहां से अयोध्या जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आते वक्त मैंने भरत जी को यह वादा किया था कि 14 वर्ष से 1 दिन भी अधिक न लगाऊंगा, और सबसे पहले अयोध्या को आऊंगा। हाँ महाराज, हमारे पास एक पुस्तक विमान है, आप उसमें आरूढ़ हो जाइए तो जल्दी अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो चलिए विभीषण जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विभीषण के पुस्तक विमान के द्वारा अयोध्या आ जाते हैं। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के इंतजार में भर जय श्री राम। भ्राता जी मैं परमात्मा की दया का कहां तक धन्यवाद करूं तथा उनकी कृपाओं का कैसे शुक्र अदा करूं जिनकी दयालुता से आप इतने साल के पश्चात श्री राम के दर्शनों का सौभाग्य
हुआ और आपके आने से सारा दुख समाप्त हुआ। प्यारे भाई, मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना है जिसका एक एक भाई प्रत्येक गुण से परिपूर्ण है। फिर आपके प्रेम में तो वह नजीर पैदा कर दिखाई जो आज तक ना देखने में आई और ना सुनने में आई। भ्राता जी, आप इस आसन को ग्रहण कीजिए। मुनि वशिष्ठ जी, आप श्री रामचंद्र जी को अवधपुरी का ताज पहनाकर इस राज्य की लकीर रस्म को अदा करें। Thank you.